सो हेलो गाइस, सो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक न्यू क्रेजी और धमाकेदार वीडियो लेकर आया, क्योंकि गाइस आज की वीडियो के अंदर हमारे पास, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, झंडे को नीचे नहीं रखेंगे मगर। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर हमारे पास एक है ये धमाकेदार चीज, आपको पता है क्या ये 1 रुपए की और सिर्फ माचिस है। और गाइस आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले 26 जनवरी स्पेशल, गाइस स्पेशल वीडियो होने वाली है स्पेशल लोग के लिए। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक माचिस की हेल्प से हम एक फौजी बनाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, माचिस की हेल्प से हम एक फौजी बनाने वाले हैं। तो देखते हैं आप वीडियो हमारी कैसी बनती है, वीडियो कैसी लगती है आपको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आप सभी देशवासी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना ऑल पे सेट। एंड 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो करते अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट करें। सो लेट्स गो। गाइस देखो ये रही हमारे पास माचिस, ठीक है। अब माचिस से मैं आपको दिखाता हूँ हमको क्या करना है, देखना बिल्कुल सिंपल वीडियो, आप सभी को समझ आएगी। और ये इन सबको पहले साइड में रखते हैं। सो गाइस देखो ये रही हमारी तिल्ली, एक तिल्ली को ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बनाएंगे गाइस, किसी बात की जल्दबाजी नहीं, ऐसे तो गाइस देखो हमारा एक ये बन चुका फौजी, आपको समझ आ रहा है। तो मेरे को पता है गाइस थोड़ा फनी टाइप है, मगर गाइस जो है रियल में वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में, इसके ऊपर चिपका देंगे गाइस हम फेविक्विक, ये भी फेविक्विक, फेविक्विक के इसके ऊपर चिपकाते हैं। लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट मैं दिखाऊंगा। ये इतना हमारा वर्क रेडी हो चुका है। आगे अब हम लेंगे एक ही ले लेंगे गत्ता, ये बन जाएगा गाइस हमारा फ्लैग, फ्लैग को बनाते हैं अब। आजा जिंदे शामी आने के तले, जस दीवारे नीले आसमान के तले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, जस दीवारे नीले आसमान के तले। आपने वीडियो का पूरी अच्छे से आनंद उठाया, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना ऑल पे सेट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ किस और भी अच्छे टॉपिक पे, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इसी बात पर वंदे मातरम।